हेलो फ्रेंड्स नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इन बायोलॉजी सो व्हाट इज द माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप इज अ मशीन दैट एलेबोरेट दैट मैग्नीफाई द इमेज और हमें इमेज को मैग्नीफाई क्यों करना होता है क्योंकि जस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द बायोलॉजिकल मटेरियल किसी भी इमेज को मैग्नीफाई करते हैं टू जस्ट मैग्जीमाइज स्ट्रक्चरल डिटेल और इन स्ट्रक्चरल डिटेल को हम रिजोल्यूशन कहते हैं और व्हाट इज़ द रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन इज ए मेज़र ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन इमेज फॉर्मिंग सिस्टम टू प्रोड्यूस सेपरेट इमेजेस ऑफ एडजेंट ऑब्जेक्ट सपोज़ कीजिए कि दो डॉट्स हैं और इन दोनों डॉट्स के बीच का जो एरिया है वो विजिबल हो उसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन यानी कि दो लिमिट्स दोनों ऑब्जेक्ट की जो लिमिट्स हैं वो ईजिली विजिबल हो उसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं रिजोल्यूशन को जो मेज़र करता है उसकी दो लिमिट्स होती हैं पहला होता है न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द लेंस एंड दूसरा होता है स्मॉलर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन और इसका एक फार्मूला है जिसको एप्स इक्वेशन कहते हैं एप्स इक्वेशन में यह है कि जो रिजोल्यूशन इज इक्वल टू पॉइंट वन सिक्स लेमडा अपॉन एन ए तो इस इक्वेशन से पता चलता है कि एन ए यानी कि जो न्यूमेरिकल अपर्चर है वो जितना ज़्यादा छोटा होगा रिजोल्यूशन उतना ज़्यादा होगा और जो वेवलेंथ है वो जितनी ज़्यादा होगी रिजोल्यूशन उतना ज़्यादा होगा यहाँ पर जो न्यूमेरिकल अपर्चर है ये वो अपर्चर है जहाँ से कोई भी जो लाइट आती है वो गैदर्ड होती है और लेंस पर आती है यानी कि रिप्रेजेंट द लाइट यानी कि यहाँ लाइट क्या है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं फॉर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए तो यहाँ पर लाइट जो है वो गैदर होती है गैदरिंग द पावर ऑफ़ द लेंस अपर्चर सारी की सारी लाइट जो होती है वो एक लेंस के अपर्चर पर आकर के गैदर होती है दैट इज़ मेज़र ऑफ ऑब्लिक्विटी ऑफ रेज विच द लेंस कैन एक्सेप्ट एंड रिफ्लाइज है ना यानी कि जितनी भी लाइट आती है वो एक लेंस के ऊपर गैदर होती है और वो लेंस जो होता है उस लाइट को यूटिलाइज करता है और इसके बाद जो लेमडा है ये लेमडा वो लिमिट है जो कि किसी इमेज को एब्ज़ॉर्व करके आने वाली रेज आ, देखी जाती है उसको हम कहते हैं लेमडा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के आ जाने से ये जो इमेज रिजोल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया फॉर एग्जांपल अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्यूशन था वो पॉइंट माइक्रोन था वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने पर यह मिलियन टाइम्स बढ़ गया और ये हो गया 2.5 पॉइंट फाइव हिस्टोरिकली सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बीम्स की खोज किसने की थी जे जे थॉमसन ने इन 1897। इसके बाद में जो लाउस डी ब्रॉगली थे इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लाइक मोशन उनमें होता है इन 1924। इसके बाद में इन 1926 एच बुश आए और इन्होंने सबसे पहले एज ए इलेक्ट्रॉन बीम की तरह इसको यूज किया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस और फाइनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी या उसका डिजाइन किया बाय एम नॉल एंड ई रचका इन 1932। नाउ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन विच द इमेज इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिटेड बाय स्पेसिमेन इज नोन एज स्टैम यानी कि जो हमने स्पेसिमेन रखा है उस पर से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होकर के लेंस की तरफ़ आए और उसकी इमेज बने तो उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होंगे बाय द स्पेसिमेन तो इसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जब भी इमेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट होकर के बने बाय द स्पेसिमेन उसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी इमेज को मैग्नीफाई करते हैं ऑफ़ द स्पेसीमैन यानी कि जो स्पेसीमैन है उसकी इमेज को कौन मैग्नीफाई करता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ किया जाता है एज ए बीम और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी क्या होती है उनकी प्रॉपर्टी होती है वेव नेचर की और वेव नेचर को किसने सबसे पहले बताया था ब्रोगली ने इन 1924 और इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था वेवलेंथ यानी कि लेमडा इज इक्ल टू एच अपॉन एम वी यहाँ पर एच क्या है एच है प्लेंग कॉन्स्टेंट एम क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टेम का यूज़ बहुत सारे बायोलॉजिकल स्टडीज़ में किया जाता है इसमें जो वोल्टेज होता है वो लगभग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से लेके वन लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वोल्ट तक होता है इतने अधिक वोल्टेज पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लाइट की वेलोसिटी से वन थर्ड तक ट्रेवल करते हैं मतलब इतनी फास्ट इनकी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी हो जाती है और अगर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ पॉइंट फाइव पॉइंट जीरो फाइव एंगेस्ट्रॉम हो जाता है यानी कि लगभग वन लैक टाइम शॉर्टर देन द वेबलेंथ ऑफ ग्रीन विजिबल लाइट तो ग्रीन विजिबल लाइट से भी वन लाख गुना छोटे एंगेस्ट्राम का वेबलेंथ इस इलेक्ट्रॉन का हो जाता है अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो रिजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होता है वो टू एंगेस्ट्रॉम होता है जबकि लाइट माइक्रोस्कोपी का जो होता है वो लगभग होता है टू थाउजेंड इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन है इससे वन थाउजेंड टाइम बेटर जो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का रिजोल्यूशन होता है अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कॉलम के बारे में तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो कॉलम है इसमें सबसे पहले जो अभी मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसमें अपर लेवल पर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गन होती है और वन ऑफ द टू कंडेंसर लेंसेज होते हैं तो ये देखिए यहाँ ये कंडेंसर लेंस है फिर ये कंडेंसर लेंस है फिर कंडेंसर लेंस के बाद में वन टू थ्री प्रोजेक्टर लेंस होते हैं तो आप ये देखिए वन टू ये दो तीन ये जो है ये प्रोजेक्टर लेंस हैं इन एडिशन टू फ्लोरोसेंट स्क्रीन एंड फोटोग्राफिक कैमरा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है और फोटोग्राफिक कैमरा होता है या फोटोग्राफिक प्लेट होती है इस कॉलम में जो है हाई वैक्यूम होता है यानी कि टेंटी पावर माइनस फोर से लेकर टेंटी पावर माइनस फाइव टोर तक तो ये देखिए ये टोर एक यूनिट है टेंटी पावर माइनस फाइव फोर से लेकर माइनस फाइव टोर तक एक टोर जो होता है वो वन एम एम ऑफ मरकरी होता है जो कंडेंसर लेंसेज होते हैं और जो प्रोजेक्टर लेंसेज होते हैं इनके फिक्स्ड डिपॉजिचर होते हैं ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का फिलामेंट होता है और इस फिलामेंट में नेगेटिव पोटेंशियल होता है माइनस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से माइनस वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वोल्ट तक जिससे कि ये जो टंगस्टन है ये हीटेड होता है गर्म होता है और लगभग इसमें टू एम और वन वोल्ट का करंट पास किया जाता है जिससे इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो कि एनोड ये प्लेट है यहाँ पे ये एनोड प्लेट है एनोड प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम निकलती है ये यहाँ पर एक वहनेल्ट सिलेंडर होता है और इस सिलेंडर से होकर ये बीम गुजारती है और इस वहनेल्ट सिलेंडर का, का काम ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को जो इधर उधर स्केटर्ड हो रहे हैं उसको रोकता है और एक बीम फॉर्मेशन करता है ताकि ये बीम जो है एनोड पर टकराए यहाँ पर वहनेल्ट सिलेंडर का जो पोटेंशियल है वोल्टेज वो माइनस जो ऊपर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वोल्ट था उससे भी वो ज़्यादा माइनस फाइव हंड्रेड होता है ताकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हों वो सारे के सारे यहीं पर आके टकराएं और कम से कम जो है स्केटर्ड हों तो माइनस वोल्ट रहता है तो ये जो वह वे, वहनेल्ट सिलेंडर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास होते हैं और एक बीम फॉर्मेशन होता है टेम में यूज़ होने वाले जितने भी लेंसेस uh, होते हैं वो सारे जो लेंसेस हैं वो या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंसेज होते हैं या फिर मैग्नेटिक लेंसेज होते हैं तो अब जो इलेक्टेन मशीन्स आ गई हैं उनमें ये लेंसेस इलेक्ट्रो uh, होते हैं तो ये आप यहाँ पर जितने भी लेंसेज देख रहे हैं कंडेंसर लेंस है ऑब्जेक्टिव स्टिक है इसके बाद ये यहाँ पर प्रोजेक्टर लेंस है ये सारे लेंसेस मैग्नेटिक uh, uh, होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोलते हैं इनको हम इनका काम भी होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम्स को बहुत ज़्यादा ये कन्वर्ज करते हैं और एक बीम फॉर्मेशन बनाते हैं ये सोलिनॉइड के बने होते हैं और इनका काम होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की ये बीम है ये वन नंबर है ये इलेक्ट्रॉन की बीम है इसको बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज़ करना और ये सोलिनॉइड के ही बने होते हैं जो आजकल अभी नए आ रहे हैं वो सभी सोलिनॉइड के बने होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा आयरन से बनती है तो इसलिए ये जो सॉलिनॉइड होता है ये सेंटर में है, जो है सोलिनोइड है और ये यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आयरन है तो जब मैग्नेटिक फील्ड बनाती है ये आयरन तो इसका कितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है कितना घटाना है वो इस आयरन के मैग्नेट के ऊपर डिपेंड करता है जो हमारे ऊपर डिपेंड है कि इसको हमें कितना बढ़ाना है और कितना घटाना है नाउ कम्स टू द इमेज फॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं वो स्पेसीमैन पर फोकस होती हैं और यहाँ स्पेसीमैन पे जो इसका फोकस होता है वो एक स्मॉल स्पॉट के रूप में होता है जो कि टू टू टेन माइक्रोमीटर का डायमीटर बनाता है इलेक्ट्रॉन बीम टू टू टेन माइक्रोमीटर का एक डायमीटर यहाँ बनाता है देन स्पेसिमेन के यहाँ पे कंडेंस होने का रीज़न ये रहता है कि दो कंडेंसर रहते हैं यहाँ पे जो कि इसको कंडेंस करने का काम करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम को देन फाइनली फ्रॉम स्पेसिमेन इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यानी कि जो स्पेसिमेन है वो थिन होना चाहिए ताकि जो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं वो इसको क्रॉस कर सके तभी हम इसको कहेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसकी स्पेसिमेन कितने थिन होना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊँगा तो ये जो ट्रांसमिट होकर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ये आते हैं सीधे फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट होती है जिसमें यहाँ कैमरा होता है और जो डिटेक्ट करता है कि कितना जो भी इमेज बना उसको और उसको कैप्चर करता है तो अभी तक हमने जो पार्ट ए समझा वो था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के डिस्क्रिप्शन के बारे में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के डिस्क्रिप्शन के बारे में अब हम स्टडी करेंगे कि जो स्पेसिमेंट बनाते हैं तो टिश्यू प्रोसेसिंग कहते हैं कैसे करते हैं दिस इज़ अ पार्ट बी टिश्यू फिक्सेशन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि टिश्यू में जितने भी मटेरियल हैं वो इमोबलाइज हों टिश्यू का जो सेलुलर कंस्टिटेंट है वो इमोबलाइज हो जाए साथ ही टिश्यू के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गेनल्स हैं वो मोलिकुलर लेवल पर प्रिजर्व हो जाए इसके लिए वन टू फाइव परसेंट ग्लूटोल्डी सोल्यूशन बफर्ड एट पी एच अराउंड सेवन तो वन टू फाइव परसेंट ग्लूटो सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है जिसका पी एच सेवन होता है और ये जो है एज ए फिक्सटिव यूज़ किया जाता है एज ए आइसोटोनिक सोल्यूशन यूज़ किया जाता है ऑन द टिशू मटेरियल जो टिशू के पीसेस रहते हैं वो वन टू टू मिलीमीटर इन साइज के होते हैं जिसको हमें थ्री टू फोर आवर्स तक के लिए ग्लूटेल डिहाइड के सॉल्यूशन में रखना होता है आ, एट फोर टू टेन डिग्री सेंटीग्रेड ग्लूटेल डिहाइड सभी एलडीहाइड में बेस्ट प्रिजर्वेटिव है जो कि सभी सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक ग्लाइकोजन को भी अच्छे से प्रिजर्व करता है लेकिन ग्लूटोल डिहाइड कभी भी लिपिड्स को प्रिजर्व नहीं कर पाता तो जो लिपिड्स होता है उसको जब हम बाद में इथेनॉल वगैरह का जो एक्स्ट्रक्शन करते हैं तो उसके थ्रू इस लिपिड को निकाल लिया जाता है तो इट लीव्स द लिपिड्स इन द स्टेट एक्स्ट्रक्टेबल बाय एल्कोहल्स विच हैव टू बी यूज सब्सिक्वेंटली फॉर डिहाइड्रेटिंग द फिक्सड टिश्यू तो एल्कोहल का यूज़ कहाँ करते हैं जब हम टिशू जो फिक्स हो चुका है हमारा ग्लोटरल डिहाइड से उसको डिहाइड्रेट करना होता है तब हम एल्कोहल का यूज़ करते हैं और इस डिहाइड्रेशन की प्रोसीजर में जो लिपिड होता है वो एल्कोहल में डिजॉल्व हो जाता है लेकिन अभी भी ग्लोटरल डिहाइड से फिक्सेशन के बाद में भी हमें इलेक्ट्रॉन कंट्रास्ट पुअर ही मिलता है तो इलेक्ट्रॉन कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए और लिपिड को प्रॉपर फिक्स करने के लिए हम जो ब्लॉक होता है उसको हम पोस्ट फिक्सेशन करते हैं पोस्ट फिक्सेशन नॉर्मली हम ऑस्मियम एक्वस ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ करते हैं तो ये रहता है वन परसेंट ये एक अनदर फिक्सेटिव है जिसमें इस टिश्यू सेक्शन को हम टू टू, टू फोर आवर्स तक रखते हैं एट फोर टू तो टेन डिग्री सेंटीग्रेड ये केवल लिपिड को ही प्रिजर्व नहीं करता बल्कि ये जो डिज़ायर्ड इलेक्ट्रॉन कंट्रास्ट चाहिए उसे भी प्रोड्यूस करता है और इस पोस्ट फिक्सेशन को हम ब्लॉक स्टेनिंग भी कहते हैं इसके बाद जो थर्ड प्रोसीजर आती है वो है डिहाइड्रेशन तो आफ्टर ब्लॉक स्टेनिंग एंड पोस्ट फिक्सेशन जो डिहाइड्रेशन होता है वो ए इंक्रीज ग्रेडेशन ऑफ इथैल अल्कोहल से या फिर एसीटोन से किया जाता है इथैल अल्कोहल और एसीटोन का जो इंक्रीज ग्रेडेशन है वो इस टाइप से होता है थर्टी परसेंट दैन फिफ्टी परसेंट दैन सेवेंटी परसेंट देन नाइन्टी परसेंट और फाइनली एब्सोल्यूट तो इससे ब्लॉक के अंदर जितना भी वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है जितना भी टिश्यू के अंदर वाटर होता है वो भी रिमूव हो जाता है और इसके बाद फर्दर ये टिश्यू किसी भी नॉन पोलर लिक्विड के साथ को पेनिट्रेट करने के लिए एलिजिबल हो जाता है इसके बाद टिश्यू की जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो है क्लियरिंग एंड इनफिल्ट्रेशन तो क्लियरिंग एंड इनफिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास अभी तक जो टिश्यू था वो एल्कोहल में एब्सोल्यूट एल्कोहल में था अब एब्सोल्यूट एल्कोहल को रिमूव करके हम अनदर फ्लूड जो यूज़ करते हैं वो होता है प्रोपिलिन ऑक्साइड प्रोपिलिन ऑक्साइड जितना भी एल्कोहल है उसको हटा देता है तो ऐसे हम दो अलग अलग प्रोपिलिन ऑक्साइड में टू चेंजेस करते हैं टू चेंजेस ऑफ फिफ्टीन मिनट्स टिश्यू ब्लॉक को फिफ्टी फिफ्टीन मिनट के लिए दो अलग अलग प्रोपिलिन ऑक्साइड में रखते हैं यहाँ पर ये जो प्रोपिलिन ऑक्साइड है इसका काम टिश्यू को क्लियर करने का रहता है अब टिश्यू के क्लियर होने के बाद या फिर टिश्यू के क्लियर होने का मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि टिश्यू में अब जो एरल है या फिर इपॉन है या फिर मिथाक्राइलाइट है ये इजीली क्लियरिंग फ्लूड को रिप्लेस कर सकें तो सबसे पहले हम प्रोपिलिन ऑक्साइड का यूज़ करते हैं जो टिश्यू को क्लियर करने का काम करता है क्लियर करना मतलब उसमें से इथेनॉल को हटा देना और क्लियर होने के बाद जो टिश्यू होता है वो ईज़िली अनपोलिमराइज्ड जो विस्कस फ्लूड है लाइक एरेल्डाइट, इपॉन एंड मिथाक्राइलेट इसको इस क्लियरिंग फ्लूड से रिप्लेस कर देता है यानी प्रोपलिन ऑक्साइड जो है ख़त्म हो जाएगा और जो है एरेल्डाइट, इपॉन और मिथाक्राइलेट इसमें आ जाएगा तो जो अनपॉलमराइज एरे एरेल है इपॉन है और मिथाइल मिथा क्राइलेट है इसमें टिश्यू को वन टू टू आवर्स के लिए एट रूम टेम्परेचर पर रखते हैं ताकि सेटिस्फैक्ट्री इन्फिल्ट्रेशन हो सके अब इस कंडीशन में क्या होता है जो टिश्यू रहता है वो बेसिकली बहुत सॉफ्ट रहता है तो इसलिए उसको पॉलीमराइज करके हार्ड करना होता है इसलिए नेक्स्ट स्टेप है पॉलीमराइजेशन एंड हार्डनिंग तो टिश्यू में जो मटेरियल होता है वो अभी हमने यहाँ अनपोलिमराइज रहता है तो इस मटेरियल के साथ में यानी कि एरेल डाइट और मिथाक्राइलाइट के साथ में हम डालते हैं कैटलिस्ट एंड हार्डनर तो इसको डालने के बाद में हम एक कैप्सूल जैसा इसको तैयार करते हैं और ये कैप्सूल को पहले 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवरनाइट रखते हैं देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 48 एट आवर्स यानी दो दिन के लिए रखते हैं इससे क्या होता है कि जो टिश्यू होता है वो हार्ड हो जाता है और मतलब पूरा जो ब्लॉक रहता है वो अच्छे से हार्ड हो जाता है ना जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टिश्यू सेक्शनिंग तो अब जो टिश्यू है वो एक हार्ड रेजिन ब्लॉक में एमडेड होता है और इस टिश्यू को हमें अल्ट्रा थिन सेक्शन करना होते हैं ये अल्ट्रा थिन सेक्शन याद रखना कि सिक्स हंड्रेड एंगेस्ट्रॉम या इससे भी कम होना चाहिए और ये सेक्शनिंग हम करते हैं अल्ट्रा माइक्रोटोम से अल्ट्रा माइक्रोटोम में जो सेक्शनिंग की जाती है उसमें एक ग्लास की नाइफ होती है और ये ग्लास की नाइफ जैसे ही टिशू सेक्शंस को कट करती है इसकी एक लॉन्ग रिबिन टाइप की बनती है जो कि वाटर सरफेस पे फ्लोट करती है और इसीलिए एक वाटर बोट होता है एक ट्रफ़ होता है जिसमें ये जो टिश्यू सेक्शंस होते हैं ये फ्लोट करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नाइफ के ऊपर अटैच होते चले जाते हैं अब इस टिश्यू सेक्शन की माउंटिंग करना होती है माउंटिंग का मतलब ये है कि जो टिश्यू सेक्शन है जो समय वाटर में जो है फ्लोट कर रहा है उसको हमें एक फोर्सेप की हेल्प से या कितनी बार ऐसा हो सकता है कि जो स्पेसीमेन की ग्रिड है इसको जिसमें हम स्पेसीमेन रखते हैं उसको हम कहते हैं स्पेसीमेन ग्रिड तो स्पेसीमेन ग्रिड को सीधा ही वाटर में डिप करके उसकी सरफेस पर जो फ्लोट करते हुए स्पेसीमन सेक्शन है आ, उसको उसके ऊपर लिया जाता है ताकि स्पेसीमेन ग्रिड पर वो टिश्यू सेक्शन आ जाए इसमें ज़रूरत पड़ने पर हम टिश्यू फोर्सेप की भी हेल्प ले सकते हैं इसके बाद हमें आ, इस सेक्शन की स्कैनिंग करना होती है ताकि और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंट्रास्ट देखने को मिले तो इसके लिए जो हमने अभी स्पेसीमैन ग्रिड है जिस जिसपे हमारा स्पेसीमैन है इसको हम उल्टा कर लेते हैं ऐसे तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रॉन कंट्रास्ट फर्दर द सेक्शन माउंटेड ऑन द ग्रिड आर स्टैंड बाय फ्लोटिंग द ग्रिड सेक्शन डाउनवर्ड है ना यानी इसको हम ऐसे उल्टा कर लेते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टैन तो नीचे आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन स्टैन रखा हुआ है और ऊपर हमने ये जो है ग्रिड को ऐसे उल्टा कर दिया तो उल्टा करने पर क्या होगा कि जो स्पेसिमेन uh, होगा वो स्टैंड हो जाएगा तो ये जो स्टैंड रहते हैं फर्स्ट स्टैंड रहता है यूरेनाइल एसिडेट एंड सब्सिक्वेंटली सेकेंड स्टैन जो रहता है वो रहता है लेड साइट्रेट विथ इंटरमीडिएंट वॉशिंग विथ डिस्टल वाटर तो हम इसमें सबसे पहले यूरेनाइल एसिडेट में डालते हैं स्टैंड के लिए बाद में हम लेड एसिडेट में लेड साइट्रेट में इसको डालते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्जर्वेशन तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो स्पेसिमेन ग्रिड होता है उसको एयर ड्राई करना होता है एयर ड्राई करने के बाद में ग्रिड होल्डर में उस ग्रिड को माउंट करना होता है ये ग्रिड होल्डर कहाँ पर होता है ये होता है स्पेसिमेन काटरेज में और स्पेसिमेन काटरेज कहाँ होता है ये होता है, है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के कॉलम में तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के कॉलम में जो स्पेसिमेन काटरेज होती है उसमें जो ग्रिड होल्डर होता है उसमें हमारा जो ये स्पेसिमेन ग्रिड है उसको लगाना होता है फॉर द ऑब्जर्वेशन तो अब हम ये समझें कि हमने जो अनपोलिमराइज मटेरियल डाला था किसी टिश्यू को हार्ड करने के लिए वो था एरालट इपॉन और मिथाक्राइलेट तो ये एक्चुअल में रेजिन मटेरियल हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि जो एरालट है वो एक एपॉक्सी रेजिन है जिसको कि 1956 में इंट्रोड्यूस किया गया ये एक बेस्ट एम्बिंग मीडिया है फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लेकिन इसके पॉलीमराइजेशन के लिए हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है जो मैंने आपको पहले यहाँ पर बताया था कैटलिस्ट तो ये जो कैटलिस्ट है इसका नाम है एन बेंजाइल एन एन डाय मिथैलमीन जिसको एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है फिर तो साथ ही मैंने कहा था कि हार्डनर यूज़ किया जाता है तो जो हार्डनर है उसका क्या काम होता है जो हार्डनर होता है उसको हम क्यूरिंग एजेंट भी कहते हैं और ये क्रॉस लिंकिंग का काम करता है तो कैटलिस्ट क्या काम करता है कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन का काम करता है लेकिन हार्डनर जो होता है वो क्रॉस लिंकिंग प्रोवाइड करता है यहाँ जो हार्डनर हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है डॉडे डॉडे सक्सिनिक एन हाइड्राइड डी डी एस ए ठीक है डॉडे सक्सिनिक एन हाइड्राइड और ऐसे ही दूसरा एक बार हार्डनर है वो है मिथाइल नेडिक एन हाइड्राइड मिथाइल नेडिक एन यानी कि एम एन एन रेजिन के इस मिक्सचर में हार्डनर भी मिला दिया जाता है और कैटेलिस्ट मिला दिया जाता है ताकि हार्डनिंग भी हो जाए और क्रॉस लिंकिंग हो और कैटलिस्ट जो हो पॉलीमराइजेशन ऑफ रेजिन करे लेकिन ये जो हार्डनर अभी हमने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग करता है तो इतनी ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होने पर जो ब्लॉक होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है इसलिए प्लास्टिसाइजर भी इसमें मिक्स किया जाता है जो कि इस हार्डनर के साथ में मिक्स होता है और इस हार्डनर का पॉलिमराइजेशन करता है तो इससे क्या होता है कि हार्डनर की जो क्रॉस लिंकिंग की जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है और ये जो प्लास्टिसाइजर है इसका नाम है डी ब्यूटाइल थैलेट यहाँ पी और एच जो है साइलेंट है डी ब्यूटाइल थैलेट इसका नाम है ये अभी तक हमने जो टिश्यू फिक्सेशन की पूरी प्रोसीजर पढ़ी और जो अभी तक हमने टिश्यू में प्रोसेसिंग की जो पूरी प्रोसेस पड़ी ये तब होता है जब हमारे पास टिश्यू हो लेकिन कितनी बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें पार्टिकुलेट सस्पेंशन देखने को मिलता है तो पार्टिकुलेट सस्पेंशन सैंपल जब हम देखते हैं उसको देखने के लिए जो टेक्निक्स होती हैं वो यहाँ डिस्क्राइब की हुई हैं टेक्निक्स का जो नाम है वो है शेडो कास्टिंग नेगेटिव स्टेनिंग एंड इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तो जो शेडो कास्टिंग की टेक्निक है इसमें नाम से ही समझ में आता है कि जो शेडो होता है वो बनता है और यहाँ पर ये यह जो डायग्राम है इसमें आप देखेंगे कि ये एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल का यहाँ शेडो बनता है तो इसी लिए इस टेक्निक को शेडो कास्टिंग टेक्निक कहते हैं शेडो कास्टिंग टेक्निक में जो पार्टिकुलर सस्पेंशन है उसमें हो सकता है कि एक सोल्यूशन में वायरस हो राइबोसोम्स हो, हो एसेट्रा तो ऐसे सस्पेंशन पर स्प्रे अप्लाई किया जाता है तो जो कि ईपोरेट हो जाता है है ना वो लिक्विड को भी जो सस्पेंशन के अंदर जो लिक्विड है उसको भी एवोपरेट कर देता है तो इस सस्पेंशन पर आर अप्लाइड बाय स्प्रेग ऑन टू ए फॉर्म वार कोटेड ग्रिड तो जो ग्रिड होता है उस पर इस सस्पेंशन को रखा जाता है और स्प्रे किया जाता है तो इसके स्प्रे करने से जो सैंपल है उससे जो लिक्विड है वो एवोपरेट हो जाता है द लिक्विड एवोपरेट क्विकली एंड ड्राइड सैंपल इज प्लेस्ड इन वैक्यूम कोटिंग यूनिट तो ये जो एक वैक्यूम कोटिंग यूनिट है ये वैक्यूम बना रहा है यहाँ पर ये स्प्रेसीम पे सैंपल रखा है और यहाँ पर यहाँ टंगस्टन फिलाेंट है और ये पूरा वैक्यूम है तो जैसे स्प्रे करा ये पूरा मेटल है और इस मेटल पे हम इसको रख देते हैं अब अप्लाइड बाय स्प्रेइंग तो ये किस चीज़ का स्प्रे करा है वो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो हमने जैसे स्प्रे करा और स्प्रे करते ही इसको एक वैक्यूम कोटिंग यूनिट में रख दिया और इस वैक्यूम कोटिंग यूनिट में एक हेवी मेटल होता है जिसके ऊपर इसको सस्पेंशन को रखा जाता है यहाँ पर इस वैक्यूम कोटिंग यूनिट को बेल जार कहते हैं जो कि उल्टा होता है और इसमें जो वैक्यूम क्रिएट होता है वो विथ रोटेटरी एंड डिफ्यूजन पंप के थ्रू इसमें वैक्यूम क्रिएट किया जाता है यहाँ पर जो टंगस्टन फिलामेंट है इस पर एक मेटल वायर व्रैप कर दिया जाता है इसमें टंगस्टन फिलामेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा रहता है और इस मेटल को जिसको व्रेप किया जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है अब इसमें करंट पास किया जाता है तो करंट पास करने पर मेटल सबसे पहले पिघलना शुरू होता है और उसके जो वेपर हैं वो बनते हैं और वेपर इस पूरे बेल जार में इकट्ठे हो जाते हैं तो लगभग दस से पंद्रह सेकेंड के अंदर मेटल वायर के वेपर इकट्ठे हो जाते हैं और अब ये मेटल वायर के जो वेपर्स हैं वो उनके जो एटम्स हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में जाते हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा कर के जो सैंपल है उसके ऊपर एक फोम या कोटिंग बनाते हैं इस सैंपल पर बनने वाली जो मेटल वेपर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है व्रेब्ड वायर के जितना ज़्यादा वायर व्रेब्ड होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर सैंपल uh, के ऊपर उसकी कोटिंग मिलेगी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के जितनी ज़्यादा लेंथ टंगस्टन फिलामेंट और सैंपल के बीच की होगी उतना कम मेटल यहाँ आकर के कोट uh, करेगा और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल केवल लेंथ के नहीं होगी लेंथ के स्क्वायर के होगी है ना इसीलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के स्क्वायर से तो जितना ज़्यादा लेंथ का स्क्वायर होगा उतना ज़्यादा कम कोटिंग देखने को मिलेगी यहाँ लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए कहा गया है क्योंकि लेंथ uh, के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए कहा गया है क्योंकि जो स्पेसिमेन uh, है वो जस्ट इन फ्रंट ऑफ टंगस्टन फ्लैमेंट नहीं है जबकि एक एक्यूट uh, एंगल पे या एक एंगल बना करके uh, इस स्पेसिमेन को रखा गया है फाइनली ये जो डायग्राम बनता है इससे हमें जो हाइट निकालनी हो तो वो हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं एज इज इक्वल टू आई टेन ए या साइनकॉस टेन वाला ये जो टेन है ये आई है और ए है या जो आई है वो क्या है आई इज़ द लेंथ ऑफ शेडो जो ये शेडो बनती है ये शेडो ये और इसके बाद ए क्या है ए इज़ द शेडोइंग एंगल ये जो एंगल है इस एंगल को ए कहते हैं तो इस टाइप से एच इज इक्वल टू क्या होता है आई टेन ए टेन कैसे निकाला जाता है अ टेन कैन बी ऑप्टेंड फ्रॉम द रेशियो ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस वी फ्रॉम द सोर्स टू द स्पेसिवैन ऑफ द होरिजोटल डिस्टेंस एच फ्रॉम द सोर्स टू द स्पेसिवैन तो द हाइट एच कैन दस बी ऑप्टेंड फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन तो यहाँ पर आप देखें एच इज़ इक्वल टू आई वी अपॉन एच तो जो टेन हमने निकाला वो होता है वी वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन एच यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है वर्टिकल डिस्टेंस ये है तो एच को निकालने के लिए आई मल्टीप्लाइड बाई वी अपॉन एच ऐसे करके हम इस फार्मूले से इसको एच को निकालते हैं और यहाँ एच क्या है ये एच जो है ये शेडो है है ना जैसे कि ये शेडो है ये मान लीजिए ये एक आ, मेटल कैसे आपको समझ में आएगा ये कि ये एक स्पेसी है और ये मेटल की जो है वेपर्स आए हैं और ये एडर हो स्टिक हो गए हैं ऐसे अब ये यहाँ पर टंगस्टन फिलामेंट से जो भी है बम्बारडिंग वगैरह हुई है मेटल की उससे एक शेडो बनी है और ये देखिए ये पूरी जो ऐसे लाइन लाइन है ये एक शेडो है तो इस शेडो का एंगल है ये ए इस शेडो का जो हाइट इस शेडो की हमें निकालना पड़ेगी और हाइट इस शेडो की एच निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है एच इक्वल टू आई वी अपॉन एच तो यहाँ पर आई क्या हो गया ये आई है है ना इसके बाद में ये जो एच है और ये वी है ऐसे हम निकालते हैं नाउ सस्पेंशन में मिलने वाली जो सेकेंड चीज़ें हैं लाइक वायरसेस है मैक्रो माइक्रो हैं लाइक इम्यूनो एबजॉर्ब स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं या फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है इनको देखने के लिए हमको नेगेटिव स्टेनिंग का यूज़ करना होता है जिसमें ये सारे मालिक्यूल्स स्टेन नहीं होते लेकिन उसका जो बैकग्राउंड होता है वो स्टेंड हो जाता है और ये जो स्टेनिंग मटेरियल है इसको हम कहते हैं वन टू टू परसेंट फॉसफोटंगस्टिक एसिड इसको स्पेसिमेंट के ऊपर फ्लड कर दिया जाता है तो जो भी वायरसेस बैक्टीरिया हैं या फिर जो भी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको छोड़ के रेस्ट ऑफ द जो फिल्म होती है वो पूरी की पूरी स्टेंड हो जाती है और इसीलिए हम इसको कहते हैं नेगेटिव स्टेनिंग जिसमें स्पेसीमैन स्टेंड नहीं होता जबकि स्पेसीमैन के आसपास के सराउंडिंग जो मटेरियल होता है वो स्टेंड हो जाता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन बायोलॉजी होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक थैंक्स फॉर वॉचिंग